ओके सो गाइस वेलकम अगेन इन अनदर न्यू वीडियो। सो गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा ओपी होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में भाई इलाइट एंड्रू की एबिलिटी आप जानने वाले हो और फिर देखने वाले हो कि भाई क्रोनो के सामने मतलब अलग ही सीन है। इसका भी एबिलिटी एकदम यूनिक सा ही है, समझ जाओगे आप अच्छे से। उसी के साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ, सो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको करेक्टर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे एंड्रू का इलाइट देखने को मिल रहा है, एक न्यू करेक्टर देखने को मिल रहा है जो कि मेल करेक्टर है और एक फीमेल करेक्टर है जो कि आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मतलब इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारे चीज़ बताऊँगा। इस वीडियो में आप यहाँ पे पूरा चीज़ देखने वाले हैं कि आखिर इलाइट एंड्रू कर क्या सकता है और उसकी पावर क्या है। उसके बाद यहाँ पे जो न्यू करेक्टर है कौन सा है, फीमेल करेक्टर, एक मेल करेक्टर भी है जो कि MR1 है। बट यहाँ पे MR1 के लिए स्पेशल वीडियो आने वाला है जो कि मैं लाइव यहाँ पे MR1 अगर मेरे पास आता है तो मैं आपको उसका स्पेशल वीडियो दूंगा। उसी के साथ साथ एक्सट्रीमा करके एक करेक्टर है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसी के साथ साथ एक न्यू चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि अभी तक आपने नहीं देखा है और बहुत ज़्यादा देखने वाले हो, बट मैं आज ही आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूनिक है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपनी तो सभी दोस्तों के साथ, इस वीडियो को फैला जरूर देना क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो ना। तो गाइस सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपनी सभी दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक मारो एंड ऑल पर सेट कर देना आपको। सबसे पहले आप देखो एक फीमेल करेक्टर, ये करेक्टर सबसे पहले आने वाला एडवांस सर्वर में। एडवांस सर्वर के बाद ग्रेना डिसाइड करेगी कि आखिर आपको अपडेट के बाद गेम में कब देना है। मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। सबसे पहले एडवांस सर्वर आएगा, उसमें सब कुछ शो होगा, उसके बाद अपडेट आएगा, देन आपको शो होगा। तो मतलब ये चीज़ है। तो ये फीमेल कॉस्ट्यूम है और इसका एबिलिटी जो है वो रिलीज नहीं हुआ है, मतलब अभी रिवील ही नहीं हुआ इसकी एबिलिटी। तो इसकी एबिलिटी के लिए थोड़ा टाइम वेट करना होगा, अप्रॉक्स 2 से 3 दिन या 1 दिन, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो। सो गाइस अब बात करते हैं इलाइट एंड्रू के बारे में। तो सबसे पहले इसका नेम होना चाहिए एंड्रू द फायर्स करके कुछ नेम होगा। उसी के साथ साथ इसकी जो एबिलिटी होगी वो पैसिव होगा, मतलब पैसिव टाइप एबिलिटी होगा। अब मैं आप सभी को इसकी एबिलिटी को रिवील कर देता हूँ कि आखिर इसका एबिलिटी क्या है। सो गाइस तो इसकी जो एबिलिटी है वो यहाँ पे डायमंड्स को कम करने वाला एबिलिटी है, मतलब रिडक्शन करने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ हमारा जो पेड़ था उसका भी कुछ ऐसा था, और जो हमारा क्रोनो करेक्टर वो भी हमें बचाता है डायमंड्स से, तो वो तो पूरा बचाता है। बट यहाँ पे जो ये करेक्टर में आप देख रहे हो ये यहाँ पे करेगा क्या काम कि आर्मर डायमंड्स को रिडक्शन कर देगा, कम कर देगा, उसी के साथ साथ एडिशनल डायमंड्स को भी रिडक्शन कर देगा, मतलब कि यहाँ पे कम कर देगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूँ इसका जो एबिलिटी अच्छे से रिवील तब होगा क्योंकि यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, बट इतना बेटर है अगर आपको समझना है, मतलब पूरा देखना है, तो उसके लिए बस ज़्यादा नहीं कुछ टाइम वेट करो। जब ये करेक्टर आएगा एकदम से भाई मैं शो करूँगा पूरे अच्छे से और इसकी एबिलिटी वो गेम में भी यूज करेंगे तो पता चलेगा। बट मैंने आपको एबिलिटी बता दी है क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग चाहते हो कि भाई एबिलिटी पता चले। तो ये डैमेज को रिडक्शन करने वाला है, किस प्रकार से ये काम करेगा रिडक्शन, इसका प्रोसेस वो मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, जिससे कि आपको और अच्छे से पता चलेगा। उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ मैं आपको एडिशनल नया चीज़ बता कर जाऊंगा, तो वो चीज़ देख लो जो कि अभी तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। सो गाइस तो यहाँ पे देखो न्यू ट्रेनिंग का आइसलैंड, मतलब भाई ट्रेनिंग ग्राउंड चेंज होने वाला है, उसमें आपको न्यू आइसलैंड देखने को मिलने वाला है। तो बहुत सारे चेंजिंग आएंगे और भाई एक ऐसा चीज़ है, मतलब मैं चाहता हूँ कि उसको मैं लाइव दिखाऊँ, तो इसके लिए थोड़ा वेट करते, अगर दिखा पाया तो बहुत अच्छी बात होगी। तब तक ले दोस्तों गुड बाय एंड टेक केयर।